हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक रहा था कई मायनों में, क्योंकि ये मुकाबला था वर्ल्ड कप का मुकाबला और वो भी सेमीफाइनल में, जहां पे जर्मनी ने हराया था ब्राज़ील की टीम को 7-1 से। ज़रूर कई लोगों ने यहां पे ये मैच देखा होगा, लेकिन इसके पीछे आज हम जानेंगे कि क्या वजह थी कि 7 मिनट में जर्मनी ने कर दिए थे ब्राज़ील के 4 गोल। तो इस वीडियो का सीधा सा मकसद ये है कि ये आपकी फुटबॉलिंग नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा देगी, अगली बार जब आप कोई मैच देखेंगे अपनी या किसी और टीम का, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह एक गेम जो है अप्रोच करती है अपने एंड को और किस तरह जो सब्स्टिट्यूशन वगैरह है वर्क करते हैं गेम के दौरान। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीम्स की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे जर्मनी की ओर से 4-3-3 की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी और उनके जो फ्रंट थ्री खिलाड़ी थे वो थे थॉमस मूलर, मिरोस्लाव क्लोज और ओजिल। वहीं अगर हम बात करें ब्राज़ील की, वहाँ पे उनको दो खिलाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने इस मैच में मिस किए थे, वो थे थियागो सिल्वा जो कि उनके कैप्टन थे पूरे टूर्नामेंट में। वहीं दूसरे जो स्टार खिलाड़ी उन्होंने मिस किए थे वो थे नेमार जूनियर जो कि उस मैच के लिए इंजर्ड थे। थियागो सिल्वा यहाँ पे सस्पेंशन की वजह से इस मैच में नहीं खेल पा रहे थे। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील यूज कर रही थी 4-2-3-1। बात करते हैं मेन रीजंस की जिसके पीछे ये मुकाबला ब्राज़ील की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी थी, तो वो थे देखिए, सबसे पहले तो देखिए उनके जो फुलबैक्स से मार्सेलो और माइकॉन बहुत ज़्यादा अटैकिंग फुलबैक्स हैं और दोनों ही कई बार आउट ऑफ पोजीशन जा रहे थे जो कि गैप छोड़ रहा था उनके और सेंटर डिफेंडर्स के बीच में, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया था जर्मन्स ने, क्योंकि यहाँ पे उनके जो ज़्यादातर अटैक बन रहे थे वो ज़्यादातर फ्लैंक से ही हो रहे थे और खासकर मार्सेलो वाली साइड से, क्योंकि वो ज़्यादातर आउट ऑफ पोजीशन रह रहे थे। इसके अलावा देखिए मिडफील्ड में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेसिंग की, क्योंकि जब भी वो आउट ऑफ पोजेशन हो रहे थे तो 4-1-4-1 की फॉर्मेशन के साथ खेल रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे हाई प्रेस में उनको मदद मिल रही थी। बात करते हैं जर्मनी के पहले गोल की, तो इसकी वजह थी मार्सेलो का आउट ऑफ पोजिशन होना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जर्मनी को एक कॉर्नर दिया। कॉर्नर के दौरान देखिए डेविड लुइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मूलर को मार्क करें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए और मूलर ने पहला गोल स्कोर करके जर्मनी को 1-0 की लीड दी। जर्मनी ने अपना पहला गोल 11वें मिनट में स्कोर किया। वहीं अगर हम बात करें अगले 4 गोल्स की, वो आए 23, 24, 26 और 29वें मिनट में। तो अब जानते हैं उन सभी गोल्स की वजह को। ब्राज़ील की इनिशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो थी देखिए गुस्तावो जो उनके डिफेंसिव मिडफील्डर थे, वो डीप डाउन आ रहे थे दोनों ही सेंटर बैक्स के बीच में, डेविड लुइस और डांटे के बीच में। तो यहाँ से वो या तो इन सेंटर बैक्स को पास कर सकते थे या फिर मिडफील्ड में शॉर्ट पास कर सकते थे या फिर लॉन्ग बॉल खेल सकते थे। इन तीनों पॉसिबिलिटी के साथ वो गोलकीपर को भी बैक पास दे सकते थे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए देखिए उन्होंने ट्राई किया कि वो सबसे पहले मिडफील्ड को पास करें। मिडफील्ड में जब भी देखिए ब्राज़ील के खिलाड़ियों ने शॉर्ट पास दिया, तब तब वो फर्नांडिनो की वजह से डिस्पोजेस हो रही थी बॉल, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेस थी जर्मनी की। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ 4-1-4-1 की फॉर्मेशन में खेल रहे थे, तो यहाँ पर बहुत ही क्राउडेड था जर्मनी का यहाँ पर मिडफील्ड, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्पोजेशन हुई थी ब्राज़ील की ओर से। इसके अलावा देखिए उन्होंने डायरेक्ट लॉन्ग बॉल्स खेलने की भी सोची ताकि वो अपने फॉरवर्ड खिलाड़ियों तक बॉल पहुंचा सकें मिडफील्ड से ना गुजरते हुए। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया ये भी फॉर्मूला, लेकिन ये भी उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जितनी बार भी हल्क या फिर ऑस्कर के पास बॉल जा रही थी तो वो बहुत ही जल्दी से यहाँ पर डिस्पोजेस कर रहे थे, क्योंकि उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है जितनी नेमार जूनियर उन्हें प्रोवाइड कर सकते थे। इसके अलावा जर्मनी के पास एक और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उनके जो गोलकीपर थे मैनुअल नोयर, वो उस वक्त के बहुत ही अच्छे स्वीपर कीपर माने जाते थे और नंबर वन गोलकीपर थे उस टाइम के। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल क्लियर की हैं जब भी जो भी बॉल आगे लॉन्ग बॉल्स आ रही थी ब्राज़ील की ओर से। वहीं देखिए जर्मनी के पास अब बॉल आ रही थी तो वो ज़्यादातर अटैक जो थे अपने वाइड एरिया से बना रहे थे और खासकर राइट विंग की ओर से जहाँ पे थॉमस मूलर प्रेजेंट थे। मार्सेलो सिर्फ वाइड एरियाज़ पे ही सफ़र नहीं कर रहे थे, इसके अलावा वो एक अटैक के दौरान ऑनसाइड पोजीशन पे भी थे जो कि आगे चलकर जर्मनी का एक गोल बना। ब्राज़ीली टीम के इस टैक्टिकल फ्लॉ के कारण जर्मनी की टीम ने स्कोर ले लिए थे 7 ही मिनटों में 4 गोल और अब यहाँ पे स्कोर लाइन पहुँच चुकी थी फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक 5-0 और एक तरह से ये मैच लगभग खत्म हो चुका था। जर्मनी की टीम भी यहाँ पे काफ़ी लाइटली ले रही थी अब ब्राज़ीलियन टीम को, क्योंकि वो फाइनल के लिए अपना फ्यूल बचाना चाहती थी। सेकेंड हाफ में 2 चेंजेस किए तुरंत और वो थे फर्नांडिनो जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे मिडफील्ड में, वहीं हल्क जो कि अच्छी लॉन्ग बॉल्स को आगे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे गोल्स में, तो उन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पोलिनियो और रैमरेस को लाए जो कि काफ़ी एनर्जेटिक प्लेयर थे और यहाँ पर ब्राज़ील ने फॉर्मेशन अपनी कन्वर्ट कर ली 4-3-3 में। दोनों ही सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव इफेक्ट रहा यहाँ पे ब्राज़ीलियन टीम की ओर से, क्योंकि अब जो अटैक थे वो मिडल से बन रहे थे और यहाँ पे मिडफील्ड का अच्छा यूज़ हो रहा था।
सो अब यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट खेला मैन्यू नॉयर ने, जिन्होंने 2-3 अच्छे ऐसे सेव किए जो कि गोल बचा गए और 0 स्कोर लाइन पर बना के रखा ब्राजीलियन टीम को। इसके बाद देखिए 69वें मिनट में भी गोल स्कोर किया जर्मनी की टीम ने वाइड एरिया से ही, जिसमें मार्सेलो ट्रैक बैक करना भूल गए फिलिप लाहम को, जिसके वजह से वो गोल हुआ। तो यहाँ पे 69वें मिनट में ब्राजीलियन टीम ने सब्स्टिट्यूट किया और फ्रेड की जगह आए विलियन। तो जर्मनी की टीम ने 79वें मिनट के एंड तक यहाँ पे 7-0 की बढ़त बना ली थी। अब बारी थी ब्राजील के एक गोल की, जो कि आया 90th मिनट में मार्सेलो के असिस्ट की वजह से, जो कि गोल स्कोर किया था ऑस्कर ने अपनी बेहतरीन फिनिशिंग के कारण। सो फाइनल विसल पे देखिए जर्मनी ने ब्राजील की टीम को हराया था 7-1 से, और इसके चलते वो फाइनल में खेले अर्जेंटीना के खिलाफ, और वहाँ पे वो मैच उन्होंने 1-0 से जीता था गीत्जे के गोल के कारण, और 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम किया। तो दोस्तों ये था एक देखिए आइकॉनिक मैच का टेक्टिकल एनालिसिस, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो वीडियो की सजेशन थी वो दी थी प्रीत सिंह ने, तो उनका भी थैंक्स अ लॉट। वहीं देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि कौन सी फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा होता है फुटबॉल के मैचेस में, तो ज़रूर वो भी देखें और हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्रीकिक सिंह।